जिस उम्र में बच्चे अपना शौक पूरा करने के लिए अपने माता पिता से जिद करते हैं, उस उम्र में एक लड़की पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम की झंडा बरदार बनी हुई है। स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थनवर्ग नाम की लड़की जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैला रही है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए जलवायु परिवर्तन के ऊपर ट्राई सिटी के 140 बच्चों के छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और जलवायु को कैसे सुधारा जाए और बचाया जाए उन पर भी लोगों को जानकारी दी। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, साइकिल पर स्टंट करके और साइकिल चलाकर लोगों को एनवायरमेंट के प्रति जागरूक किया। ये सारा इवेंट बच्चों द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था के लिए, सबको बताने के लिए कि कैसे प्लास्टिक को कम यूज करा जाए, तो उस चीज को लेकर बच्चे एक सर्कस आर्ट मीडियम है। सो बेसिकली सर्कस आर्ट जो नॉर्मल सर्कस आर्ट होता है, बच्चे उसके थ्रू बताते हैं कि क्लाइमेट रोकना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज वो सर्वाइव करते हैं। दिल्ली में अगर पोल्यूशन होता है तो स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, जो वातावरण चेंज होता है उनसे उनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। दैट्स व्हाई द चिल्ड्रन इज कमिंग टू टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। थोड़ा अपना ग्रुप के बारे में बताइए सर। सो हम ऑर्गेनाइजेशन से है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक मीन्स एवरी वन। सो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन एक दिल्ली में है जो बच्चे के लिए चलाई जाती ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बच्चे खुद आते हैं, खुद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जो मीडियम उनका सर्कस आर्ट है, तो उन्होंने खुद बोला था कि हमें एक प्रिपेयर करके एक सर्कस आर्ट में कुछ क्लाइमेट के थ्रू हम उनको बताएंगे। तो जो जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल से हैं, हमारे ये स्लम्स एरिया से आते हैं, और ये खुद ही अपने आप में प्रिपेयर करते हैं, खुद ही चार्ट्स बनाते हैं, क्या रैली में रिप्रेजेंट करना है, क्या हमारी गवर्नमेंट को बताना है, अवेयर करना है पीपल को। तो ये जो बच्चे हैं ये खुद ही बताते हैं।